हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ भावेश और आज मैं आया हूँ सोमेश्वर वाड़ी। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ आप कैसे आ सकते हो, यहाँ आने के क्या प्रोसीजर है, उसके अलावा आप मंदिर में क्या क्या देख सकते हो, उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो में नए आए हो या चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। पहले कर लेते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर के बारे में पूरा बताया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और हम देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग। तो गाइस, सोमेश्वर मंदिर में आकर आप भगवान शिव के दर्शन और शिवलिंग के दर्शन तो कर ही सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है, गणपति भगवान भी है, उसके अलावा हनुमान जी के भी दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे। तो मुझे अभी पता चला है कि मंदिर के पास यानी कि मंदिर को लगकर ही, कैंपस को लगकर ही एक गार्डन है और वहाँ बहुत कुछ देखने के लिए है। तो चलिए हम भी वहाँ चल के देखेंगे कि हमें और क्या देखने को मिलता है। जो बोलते हैं ग्राम की पंचायत होती है वो कुछ इस तरह होती है और यहाँ पे फैसला सुनाया जाता था और जो पंचायत में फैसला दिया जाता है वही फाइनल होता था और वो गांव वालों को मानना पड़ता था। क्या बोलूं, गांव की स्कूल देख लीजिए। जी हाँ, गांव में कुछ स्कूल उस वक्त ऐसी होती थी, अभी तो सरकार ने स्कूलें बांध दी। तो भैया जी खेती कर रहे हैं वहाँ पर और गाँव में खेती तो सबसे पहले होती है, आप जानते हो। जी भैया, अब हम आ गए हैं शादी पर और शादी में हम पार्ट ले रहे हैं और शादी में हम अभी भोजन करके भी जाएंगे। ये गांव की शादी है, जो शादी हो रही है वो दर्शाया गया है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है। गांव में भजन कीर्तन हुआ करते थे, वो कुछ इस तरह हुआ करते थे और लोग जो है वो काफी ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो भैया, गांव वो और गांव में हलवाई की दुकान ना हो तो कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये है हलवाई और काफी सारी मिठाइयाँ देखने को मिल रही है और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि ये कुछ गांव की जो मिठाई होती है ना वो शुद्ध देसी घी से बनी होती है। तो एक छोटे बच्चे ने पॉटी की है जो कि साफ हो रही है। गांव में तो शौचालय होते नहीं थे उस वक्त,
तो जो पॉटी होती थी उसको ऐसे ही साफ की जाती थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।